हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कसेरा। कसेरा 2040, इसमें एरर कोड एक शो कर रहा है, तो देखिए मशीन फेलियर कॉल सर्विस। एरर कोड है C6220। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, मशीन को फटाफट घुमा लेते हैं बैक साइड और ओपन करते हैं। तो फटाफट हम खोल लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। सारे स्क्रू निकाल के फ्यूजर असेंबली को हम बाहर निकालेंगे। हमें जो काम करना है फ्यूजर असेंबली में काम करना है। तो सबसे पहला हम टेफ्लॉन चेंज करेंगे। ये टेफ्लॉन असेंबली खोल रहा हूँ मैं। तो मेरा टेफ्लॉन जो है वो ख़राब हो गया है, तो मैं नया टेफ्लॉन डालूँगा इसके अंदर। अगर आपका सही रहेगा तो आप अपना टेफ्लॉन मत चेंज करना, अदरवाइज़ ख़राब रहेगा तो आप भी चेंज कर सकते हैं। ये मेरा न्यू टेफ्लॉन है। ये ऑयल है, तो आप ऑयल पैड के ऊपर ऑयल डाल दें। इतने ऑयल से हो जाता है, अगर आपको कम लगेगा तो आप और डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो इसके लिए मैं ऑयल लाया था अपने साथ में। तो आधी सिरिंज में इसमें ऑयल और डालूँगा। ये देखिए, तो चलिए फटाफट अभी पैक कर लेते हैं।
चलिए इसको साइड में रखते हैं। ये देखिए, ये है मेरा थर्मिस्टर जो ख़राब हो गया है, तो हम नया थर्मिस्टर लाए हैं। ये मेरा नया थर्मिस्टर है। इसी थर्मिस्टर का इशू था जो C6220 का एरर आ रहा था, इसी थर्मिस्टर का था। तो ये थर्मिस्टर हम लगा लेंगे। चलिए फटाफट पैक करते हैं। चलिए ये पैक हो गया मेरा। अभी सब सारे स्क्रू लगा लेंगे और कनेक्शन भी कर लेंगे। तो फटाफट स्क्रू लगा लेते हैं। चारों स्क्रू अच्छे से टाइट कर दीजिए। ये हमने चारों स्क्रू टाइट कर दिया तो कनेक्शन है। एक फॉर्मेटर बोर्ड का है कनेक्शन और एक पावर सप्लाई का है। तो सबसे पहला फॉर्मेटर बोर्ड का लगा लेते हैं, उसके बाद पावर सप्लाई का लगा लेते हैं। अभी पावर केबल लगा के मशीन को घुमा के आगे देखते हैं डिस्प्ले में। मशीन को घुमा लेते हैं और डिस्प्ले के साइड चलते हैं। तो मशीन डिस्प्ले में लाइट आ गई। कसेरा लिख के आ गया, प्रोसेसिंग नो जेन्युइन टोनर। स्टॉप और ओके का बटन 3 सेकंड के लिए होल्ड करें। और यस करें। प्रोसेसिंग फॉर प्रिंटर रेडी हो गया मेरा। अभी स्टेटस पेज प्रिंट मारते हैं, देखते हैं प्रिंट आउट आता है कि नहीं।
यस ये देखिए मेरा स्टेटस पेज भी आ गया। आप भी इसी तरह अपना मशीन ठीक कर सकते हैं।